नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 16 अगस्त को आयोजित होने वाली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अभ्यर्थियों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुल 120 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? जी दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची की तो पांचवी अनुसूची जो है वो एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें दसवीं अनुसूची की तो दसवीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है हमारी दसवीं अनुसूची। और चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? दोस्तों तो विचार करके बताएं कंप्यूटर वायरस दिए गए विकल्पों में से क्या है। जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और यह कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसमें संग्रहित डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले किसने की थी? जी न्यूक्लिक एसिड जो है एक बहुलक मैक्रो अणु होता है जो एकलिक न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं में बना रहता है। और दोस्तों यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? आरएनए और डीएनए, दो प्रकार का होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिशर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बे थे उन्हें किस पैटर्न में रखा गया था? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर ग्रिड माने आयताकार पद्धति में इन्हें रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसे जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है? जी अकबर, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात दोस्तों अकबर का पूरा नाम क्या होगा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का मानक इकाई क्या है? विचार करके बताएं गतिज ऊर्जा की मानक यूनिट जो है वो क्या होती है? जी गतिज ऊर्जा की मानक इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहां पर दोस्तों द्रव्यमान को और वी जो है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? जी दोस्तों वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न, दो सूचियां आपके समक्ष दी गई है दोस्तों, तो सूचियों का मिलान करके हमें राइट ऑप्शन जो है विकल्प से बताना है। तो मिलान करके बताएं दोस्तों किसका संबंध किससे है? जी दोस्तों अगर हम बात करें समाचार दर्पण की तो इनका संबंध हो जाएगा जेसी मार्शमैन से। जेसी मार्शमैन से संबंध है हमारे समाचार दर्पण का। कोड हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले हमारा 4। मिरात उल अखबार की बात करें दोस्तों, मिरात उल अखबार की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक से नहीं, राजा राम मोहन राय से इनका संबंध हो जाएगा। तो वेरी गुड, कोड 1 जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। केसरी की बात करें दोस्तों तो केसरी किसकी पत्रिका थी? बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक।
तो इनका संबंध हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक से। और यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन और जो प्रिंटिंग का कार्य था यह महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 4123, 4123 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? जी एक नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में हमें संशोधन करना होगा? जी बात करें इस प्रश्न की तो किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों प्रथम अनुसूची में ही जो है भारत और उसके राज्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से किसकी कमी से क्वासरी और कोर नामक विकार उत्पन्न होता है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी से क्वासरी और कोर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों यह बीमारी जो है नॉर्मली बच्चों में होती है, बच्चों में रोग होने वाला यह जो है बच्चों में होने वाला रोग है और दोस्तों इसमें जो है बच्चों का विकास रुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे किस आंदोलन से संबंधित है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो है भारत में निर्मित चीजों का ही प्रयोग किया जाए और जिसमें मुख्यतः कपड़े थे। दोस्तों आपको याद होगा कि कपड़ों की होली जलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है? जी बैंक, पुलिस, वन और रक्षा। विचार करके बताएं कि कौन, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुलिस जो है दोस्तों राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों इसी सूची की बात करें तो इस सूची में अदालत, सिंचाई, कृषि, पंचायती राज यह सब भी शामिल है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? दोस्तों विचार करके बताएं पीएच स्केल की रेंज जो है वो कितनी होती है? जी पीएच स्केल की रेंज जो है वो 0 से 14 तक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? जी दोस्तों जैसे अगर आप फोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रैम 1GB, 2GB, 3GB, 4GB और 6GB और उससे भी अपग्रेडेड वर्जन आते हैं आजकल तो बात करें रैम जब ज्यादा होगी दोस्तों तो यह तेज गति से कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? जी स्टोमेटा के द्वारा जो पानी के वाष्पीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही हो जाएगा ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों इस क्रिया द्वारा जो है पौधे आवश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों विटामिन और उससे संबंधित होने वाले रोग आपके समक्ष दिए गए हैं, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए विटामिन डी की कमी से सुखंडी नामक रोग हो जाता है, सही है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों मसूड़ों से खून आने लगता है, यह भी सही है। मगर अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ना कि
गठिया, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें गठिया की, तो गठिया कब होता है, गठिया रोग जो है वो यूरिक एसिड की अधिकता से हो जाता है। जब मानव के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में गठिया नामक रोग हो जाता है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों विचार करके बताएं, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष दिए गए विकल्पों में से कौन थे? जी बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है? तो दोस्तों विचार के बताएं, अगर हम क्रम के आधार पर बात करें तो 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को किस क्रम में शामिल किया गया है? जी दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन क्या होगा? संथाली, फिर उर्दू, फिर कोंकणी और मैथिली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो है भोजपुरी और तुलु भाषाएं शामिल नहीं है। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, और जिसमें नेपाली, संथाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बंगाली, हिंदी, उर्दू, सिंधी, तेलुगु, तमिल, यह सब जो है वो प्रमुख भाषाएं हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें क्या आप जानते हैं अंग्रेजी शामिल है या नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी लंबाई और दूरी की इकाइयां दे रखी है और समतुल्य मूल आपको दे रखे हैं, मिलान करके दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी एक नैनोमीटर किसके बराबर होगा? दोस्तों एक नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर के बराबर, तो हमारा इसका संबंध हो जाएगा, कोण हो जाएगा 3। एक माइक्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10^-6 मीटर होती है। एक माइक्रोमीटर की वैल्यू कोण हो जाएगा 1। एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10^-10 मीटर होता है, तो यहां से कोड हो जाएगा दोस्तों 4। और एक पिकोमीटर की बात करें तो 10^-12, तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। तो 3, 1, 4, 2 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, वेरी गुड राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों जी दोस्तों 3, 1, 4, 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। मांसपेशियों के निर्माण, उनके बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जी दोस्तों एंटीबॉडी जो इस समय जो है बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, जिन्होंने भी बताया प्रोटीन बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पर्शता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? जी छुआछूत और अस्पर्शता की बात की जा रही है। जी अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पर्शता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, विचार करके बताएं दोस्तों। समुद्री घास से दिए गए विकल्पों में से हमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? जी आयोडीन बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। तो दोस्तों अगर एक फिक्स स्पीड से ट्रेन चल रही हो और आप उसके अंदर बैठे हैं और ऊपर की डायरेक्शन में गेंद फेंकते हैं, तो वह गेंद जो है वो कहां गिरेगी? जी दोस्तों स्थिर गति से अगर ट्रेन दौड़ रही है और आप बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वह बॉल जो है वो आपके हाथ में ही आकर गिरेगी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? जी कौन सी ऐसी समिति होती है जिसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से श्रावित नहीं होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें सेक्रेटिन की, ऑप्शन नंबर ए की, तो इसका श्रवण जो है वो दोस्तों कहां से होता है? इसका श्रवण जो है वो पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है, इसका श्रवण जो है वो छोटी आंत के ड्यूटेनियम भाग से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? जी, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक मंत्री लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों, जिसे हम एसी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों एसी को एक दिश धारा माने डीसी में, तो विचार करके बताए कि एसी को डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा दिष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक द मूवमेंट ऑफ लिफ्ट, तो दोस्तों विचार करके बताएं इसके लेखक कौन है? द मूवमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक कौन है? जी, लेखिका है दोस्तों और नाम है मेलिंडा गेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें यह कब पब्लिश हुई है, तो इसका प्रकाशन जो था वो अप्रैल 2019 में किया गया था। अप्रैल 2019 में द मूवमेंट ऑफ लिफ्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। लेखिका का नाम था दोस्तों मेलिंडा गेट्स। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। ट्राई, तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा ट्राई के बारे में, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है ट्राई? जी, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको कथन दे रखा है कि स्वपोषी, मतलब स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी के स्तर के उत्पादन से है। तो विचार करके बताएं कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। वेरी गुड, चरणों ने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कथन और कारण आपको दे रखे हैं और हमें राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बताना है। तो कथन देखते हैं क्या दे रखा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। कारण, इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य विकृति के विरुद्ध है। तो दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश या भ्रंश घाटी से बहती है, यह कथन सत्य है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इन नदियों के मार्ग जो है वो ढाल की सामान्य विकृति के विरुद्ध है। तो दोस्तों दिए गए दोनों कथन सही है, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नदियां जो है भ्रंश घाटी का अनुसरण तथा एस्टुएरी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपी स्पेशल जितना भी आप पढ़ेंगे आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। और बात करें इस प्रश्न की, तो गेहूं, आलू और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जी, बोर्नियो द्वीप की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो माने CRR में वृद्धि करता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? जी दोस्तों अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? रिजर्व बैंक जो है वो एक रेशियो डिक्लेयर कर देता है कि अगर आपके पास 100 रुपए जमा है, टोटल जमाएं आपकी 100 रुपए है, और मान लीजिए CRR की जो रेट है वो 4%, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है इस कंडीशन में मैक्सिमम 96 रुपए का लोन दे सकता है और 4% उसे CRR के रूप में अपने पास
रखना पड़ेगा। और दोस्तों क्या दिया गया है सवाल में कि सीआरआर में वृद्धि कर दी गई, तो मान लीजिए इसे 4 से बढ़ाकर कर दिया गया 5%, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब बैंक के पास जो है वो 96 रुपए के स्थान पर 95 रुपए ही ऋण के रूप में देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि अब जो है बैंक कम लोन बांट सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी, ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। बारिश की छायाएं तब बनती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दो सूचियां आपको दे रखी है दोस्तों, वनों के प्रकार और प्रदेश आपको दे रखे हैं, तो हमें मिलान करके बताना है कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी सबसे पहले बात करें दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन, तो ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों, यह जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा, सबसे पहले कोड आ जाएगा हमारा 4। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो दोस्तों यह जो है मध्य गंगा मैदानों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। अल्पाइन की बात करें दोस्तों, तो अल्पाइन प्रकार के वन जो है वो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा 1। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो दोस्तों यह सहाद्री में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 से इसका कनेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों सहाद्री जो है वो कहां पाया जाता है, यह पश्चिमी घाट में है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4312। जी 4312 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को उनके कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, तो दोस्तों विचार करके बताएं कि काल के अनुसार कौन पहले कौन बाद और कौन सबसे बाद में हुआ। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों की, तो सबसे पहले क्या हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, 1951 में, सबसे पहले 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रयोग की गई थी, दी गई थी, तो यहां से आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, यह 1951 की घटना है। यह कब की घटना है दोस्तों, 1951 की। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था, तो दोस्तों डीवैल्यूएशन ऑफ मनी फर्स्ट टाइम जो है वो भारत में 1949 में की गई थी, 1949 में सबसे पहले डीवैल्यूएशन ऑफ मनी जो किया गया था 1949 में। और भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था, तो दोस्तों 1945 में भारत जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सदस्य बना था। तो दोस्तों अगर हम बात करें 4312 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कालानुक्रम के आधार पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, जी बिहार का खड़गपुर पहाड़ियों वाला क्षेत्र भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, और दोस्तों वर्तमान में यह जो है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग वन किसे जोड़ता है, विचार करके बताए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो भारतीय जलमार्ग वन हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। संकुचित धन माने नैरो मनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार डिफाइन किया गया है, किस प्रकार परिभाषित किया गया है नैरो मनी को, जी दोस्तों अगर हम बात करें तो संकुचित धन माने नैरो मनी में दोस्तों जनता के पास जमा जो होती है वो, प्लस बैंकों के पास रखा गया नेट डिमांड, और
डाकघर बचत बैंक में बचत जमा आदि को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सीयू प्लस डीडी प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार करके और हमें बताना है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से कौन से या फिर कौन सा जो है वो सही है। कथन क्या रखा है कि भारत कपास के पौधों का आदि निवास है। कारण कथन दे रखा दूसरा, विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कौन कौन से सत्य हैं बताएं। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। जी दी गई चट्टानों में दोस्तों नाइस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नाइस जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। इसके अलावा ग्रेनाइट, साइनाइट और बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार करके बताएं। जी भारत में बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में दिया गया कथन जो है ए में जो दे रखा है, क्योंकि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है दोस्तों, जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित भारतीय राज्य का नाम क्या है। जी दोस्तों विचार करके बताएं कि यह जो है भारत के किस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा जो है दोस्तों त्रिपुरा राज्य को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों कई बार मैप पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो मैप की भी होनी चाहिए। एटलीस्ट भारत और उत्तर प्रदेश के मैप का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा स्थान कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी गॉडविन ऑस्टिन K2 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, क्या आप जानते हैं दोस्तों कौन पक्षी जो है वो पीछे की ओर उड़ता है। जी दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा जानवर है जो पीछे की ओर नहीं चल सकता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कंगारू जो है वो कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है, विचार करके बताएं। दिए गए बाजार में से कौन कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए बाजारों में, तो पूर्ण बाजार जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चले मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय दिए गए विकल्पों में से किस नगर में स्थित है। जी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2000 में की गई थी, कहां की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, सही है। साइना नेहवाल हमारी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और झूलन गोस्वामी दोस्तों तो यह क्रिकेट से संबंधित है। जबकि अगर हम बात करें जीव मिल्खा सिंह की, तो जीव मिल्खा सिंह जो है प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर है, ना कि शतरंज खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जी दोस्तों, विचार करके बताएं कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय दिए गए विकल्पों में से कहां पर स्थित है? जी, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी की स्थापना जो है वो इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। और दोस्तों, यह जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के क्रियान्वयन में संबंधित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किसकी बनी होती है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकेल और लोहे से। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत निकेल और लोहे से बनी होती है, और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम क्रोड या फिर कोर कहते हैं, इसे हम कोर कहते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका कारण क्या है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका प्रमुख कारण सूर्य की किरणों का विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ना, और इस स्थिति में पृथ्वी के किसी ध्रुव का सूर्य की ओर ना झुका होना, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? जी दोस्तों, नदी का निक्षेपण किस प्रकार का होता है? नदी इसी प्रकार बहती है, तो विचार करके बताएं दोस्तों, यह आकृति जो है वो किस आकार की है? जी दोस्तों, नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम बाढ़ का मैदान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, बेरिंग जलडमरुद्ध पानी का संकरा भाग है जो किस और किस महासागर को आपस में जोड़ता है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? जी, दी गई घास भूमियों में से दोस्तों प्रेरीज अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? जी, कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या होता है? जी 66/2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था, तो दोस्तों विचार करके बताएं कि रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध क्यों किया गया था? जी, रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, और इसमें दोस्तों पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? जी दोस्तों, अगर हम बात करें आयु की, तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वह 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है वो कौन थे? जी, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वे लोग होते थे जिन्होंने निर्वाण माने प्रबोध प्राप्त कर लिया हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था,
तो विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, गर्भगृह वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, प्रश्न सारे ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवाना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों हेंगियोग्राफी का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? हेंगियोग्राफी का संबंध किससे है? जी हेंगियोग्राफी का संबंध संत के जीवनी लेखन से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? अहोम के विषय में दिए गए विकल्पों में से कौन एक तथ्य नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें अहोम राज्य जो है कुलों में विभाजित तो था, मगर जो इसे कहा जाता था इसे कुल संघ कहा जाता था, ना कि पाइक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? जी बात करें दोस्तों औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ तैल चित्रों का मतलब ऑयल पेंटिंग का चलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? जी कुशाण ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रासंगिक भाषा थी? जी सुल्तानों के शासनकाल की बात हो रही है और सुल्तानों के शासनकाल में दोस्तों फारसी जो है एक प्रासंगिक भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित जनजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो दी गई जनजातियों में से भोटिया जनजाति का संकेंद्रण जो है उत्तराखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों उत्तराखंड में पाई जाने वाली और भी कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, कौन कौन सी? तो दोस्तों भोटिया को तो हम देख चुके हैं, इसके अलावा थारू जनजाति पाई जाती है, खस पाई जाती है, बुक्सा जनजाति पाई जाती है, राजी है दोस्तों, इसके अलावा शौक तथा महागीर जनजातियां भी उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें भील जनजाति की तो यह किस राज्य में पाई जाती है? भील और गौंड जनजाति जो है दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली जातियां हैं, जनजातियां हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? जी विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या होगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चींटी के डंक में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल होता है? जी दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चींटी के डंक में दोस्तों फार्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयले के भंजक आसवन से क्या सही क्या नहीं प्राप्त होता है? कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता। इसके द्वारा दोस्तों अगर हम बात करें तो कोक, कोयला, कोल तार यह सब प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है? जी दोस्तों पौधों में एधा माने कैम्बियम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? फाइकस में परागण कीटों द्वारा होता है और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? जी कई बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए।
जी दोस्तों, पूर्व में क्रियाशील अंग जो अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हैं उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो है कर्ण पल्लव पेशियां अवशेषी अंग का एक एग्जांपल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स जो है वो स्वर ग्रंथियां होती है और स्तनधारियों में दोस्तों श्वसन में सहायक नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यह जो है गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो बोलने में सहायक होती है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो दोस्तों विचार करके बताएं। जी मोशन लूज पेचेस, ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पेचेस जो है दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से उत्पन्न होने वाला रोग है और जिसमें आंत तथा रक्त मिश्रित दस्त होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? जी बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे दिए गए विकल्प में से कौन है? जी लाइकेन शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है? जी मित्रों, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को संसदीय भाषा में प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी विचार करके बताएं दोस्तों, लगभग हर वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है? जी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे अंबेडकर साहब ने जो पहली बार आरक्षण किया था वह सिर्फ 10 वर्ष तक के लिए ही किया गया था, मगर राजनीति जो ना करवाए वो कम है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया जो है वो कौन सी है? जी संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने की जांच प्रक्रिया चुनाव याचिका है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है कोई व्यक्ति या चुनावी दल जो है न्यायालय में चुनाव याचिका माने मुकदमा दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? जी दोस्तों अधिदिष्ट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इस प्रकार की मुद्रा दोस्तों देश की सरकारें पेपर नोट्स के रूप में निकालती हैं और लोग जो है उससे लेन देन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है?
जी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जी, दिए गए विकल्पों में से जिंक का एक अयस्क स्फेलेराइट है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। गैस्ट्रोक्यूनिमिसियस मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निचली टांग, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है? जी दोस्तों, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में प्रारंभ किया गया था और दिए गए राजनेताओं में से जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीके रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवबंद आंदोलन इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों हमारे यहां उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जी, 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही विकल्प। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है और दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और दोस्तों अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में हुआ था जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे? जी, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1991 में कार्यान्वित हुआ और इसके माध्यम से दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक स्थानांतरण खेती नाम है बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से किसकी एक कल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंपस्टर डाइविंग, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? बिल्कुल सही, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों सारे ही प्रश्न अब आपने देखे हैं तो इंपॉर्टेंट लगे होंगे आपको, और यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्रश्न पढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है? जी, अनुच्छेद 12 से 51 ए तक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जी, 1939 से 1945 तक दोस्तों चला है द्वितीय विश्व युद्ध, तो पूछा क्या गया है दोस्तों इस दरमियान भारत के वायसराय कौन थे?
लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, क्योंकि दोस्तों 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया है, जी दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान को चुना गया था जो अब उत्तराखंड राज्य में है, जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ कब स्थापित किया गया था, जी IIM लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1984। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, जी उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पूछा क्या गया दोस्तों, उन डॉक्टरों की संख्या बताइए जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों है, जी दोस्तों खिलाड़ी जो है सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आयत से जो है वो कलाकार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और त्रिभुज जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, वह कर रहा है डॉक्टरों को रिप्रेजेंट। पूछा क्या गया है डॉक्टरों की संख्या जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों है, जी दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीन जो है वो क्या है, वो सर्किल में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीन डॉक्टर है, तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी और कलाकार भी है, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों गणित की काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ भाग करना होता है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सीरीज को लिख लेना चाहिए। जी दोस्तों अगर हम सीरीज को लिखेंगे तो क्या क्या संख्याएं दे रखी है दोस्तों, हमें दे रखा है 6, फिर क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है हमें 6, उसके बाद दे रखा है दोस्तों हमें 20, उसके बाद दे रखा है दोस्तों हमें 12, फिर दे रखा है 7 और फिर दे रखा है 1। ठीक है, तो पूछा क्या गया है दोस्तों, एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ है भाग करना, प्लस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना। तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है, जी दोस्तों अगर हम बात करें भाग को क्या दे रखा है, भाग का मतलब है माइनस, भाग का मतलब है माइनस। तो दोस्तों हम नीचे से शुरू करते हैं और यही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सॉल्व कैसे करना है बस ये बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए भाग के स्थान पर हमने माइनस रखा, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें गुणा के स्थान पर हमें प्लस रखना है, तो गुणा के स्थान पर हमने प्लस रख दिया। बात करें फिर प्लस के स्थान पर दोस्तों होगा गुणा, तो यहां पर हम गुणा का निशान लगा देंगे और माइनस के स्थान पर दोस्तों हम करेंगे भाग। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 7 को जब आप 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 12 की हमें गुणा करनी है 7 से, तो 12 सत्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सत्य हो जाएगा आपका 84, तो ये आ जाएगा आपका 84। फिर इधर का हिस्सा हम सॉल्व करते हैं तो 20 और 1 21 और 21 में से 6 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15, तो आपका कितना आ जाना चाहिए बिल्कुल ठीक, तो आपका आ जाएगा 70, क्योंकि दोस्तों ये 20 जो है वो माइनस का है, तो आपका 70 आ जाएगा, यहां से माइनस 14 हो जाएगा, 20 में से 6 जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 70। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है, और दोस्तों यहां पर एक और रिक्त स्थान है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको संख्या गिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों यहां पर 18 अक्षर हैं इस श्रृंखला में, तो 18 के अगर हम जोड़े बनाएं दोस्तों, तो 4 के अगर हम बनाएंगे तो 16 या 20 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। 5 के जोड़े तब बनेंगे दोस्तों जब 10, 15 या 20 अक्षर होने चाहिए। यहां पर 18 है तो आपको पता है कि 18 है तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे, संभव है खाली 3-3 के ही जोड़े बनेंगे। तो दोस्तों 3-3 के जोड़े हमें बनाने हैं। जी दोस्तों अगर आप 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो देखिए ज्यादातर ऐसी श्रृंखला में ऐसा होता है कि अक्षरों का क्रम जो है वो लगभग एक ही जैसा होता है। देखिए एम सी और ए तीन ही तो यहां पर अक्षर दिए गए हैं, तो सब जगह आपको ऐसा रखना है कि हर वर्ग में एम सी ए जो है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों लास्ट वाले को ही आप देख सकते हैं कि अगर एम सी ए पूरा करना है तो ए इसमें चाहिए लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। देखिए अगर हम भर के देखेंगे तो एम सी सबसे पहले यहां पर ए भरेंगे, पहले वाले में एम सी ए हो जाएगा, दूसरे वाले में सी भरेंगे तो दोस्तों यहां पर भी एम सी ए हो जाएगा, तीसरे में दोस्तों एम भरेंगे तो यहां पर भी एम सी ए हो जाएगा, फिर चौथे में भी एम भरेंगे एम सी ए हो जाएगा, पांचवे वाले में दोस्तों एम और ए भरेंगे वो, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, तो दोस्तों यहां पर पंक्ति में बैठे हुए हैं 7 लोग। सी जो है बैठा है बी के बाई ओर, तो दोस्तों चलिए हम सी को बैठाते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर बैठा दिया है बी को, सी जो है वो बी के बाई ओर बैठा है, चलिए सी यहां बैठ गए, किंतु डी के दाई ओर बैठा, तो सी जो है वो डी के दाई ओर बैठा, तो डी जो है मिस्टर यहां पे आ गया। ए बैठा है बी के दाई ओर, तो चलिए ए को भी बैठा देते हैं, सबको बैठाएंगे। एफ बैठा है ई के दाई ओर किंतु डी के बाई ओर, तो दोस्तों डी के बाई ओर जो है वो एफ बैठा है और ई के दाई ओर, तो ई को यहां बैठा देंगे। एच बैठा है ई के बाई ओर, तो दोस्तों एच को भी बैठा देते हैं, एच को काहे खड़ा रखे, जब सब बैठ गए तो इन्हें भी बैठाते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग, तो दोस्तों अब 7 लोग आराम से बैठ गए। पूछा गया कि बीच में कौन बैठा है, तो दोस्तों 3 ये हटाइए, 3 ये हटाइए, बीच में कौन बचे, मिस्टर डी। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि मिस्टर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूरोटिक को TICRONEU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में साइकोटिक को क्या लिखा जाएगा। जी दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी हिंट दे देते हैं आपको दोस्तों, यहां पर देखिए 3 की सीरीज 1 है, 2 अक्षरों की सीरीज 1 है और 3 की फिर 1 है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लास्ट के जो 3 वर्ड है, शुरू के जो 3 वर्ड है वो शब्द में सबसे लास्ट में पहुंच गए, लास्ट के जो 3 वर्ड है वो दोस्तों कहां पहुंच गए, सबसे शुरू में, और जो बीच वाले हैं वो यथा स्थान बीच में ही स्थित हैं। तो दोस्तों पी एस वाई को आप सबसे लास्ट में पहुंचाइए, पी एस वाई को हमने सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। टी आई सी को दोस्तों हम कहां रखेंगे, टी आई सी को हम रखेंगे सबसे शुरुआत में, और सी एच ओ को यथा स्थान बीच में ही रखेंगे, सी एच ओ को बीच में ही रखेंगे। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि नीचे दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। जी 13+7, 20+7, 20, 27। तो दोस्तों अब सीरीज में देखिए, ऑप्शंस में देखिए कि किस में यही संबंध है, +7+7 किस सीरीज में है। जी 18+7, 25+7, 32 ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति है जो अनुक्रम को पूरा करेगी। जी दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस सीरीज को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति दे रखी है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 लीटर पानी रखने वाले किसी घन की भुजा का फलक क्या होगा। जी घन की भुजा क्या होगी। जी दोस्तों अगर हम मान लें कि घन की भुजा क्या है, घन की भुजा जो है वो ए मीटर की है, ठीक है, और घन में कितना लीटर पानी रखा है, तो दोस्तों घन में पानी रखा है कितना, 8 लीटर। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ए क्यूब करेंगे हम, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों
8/1000 घन मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक घन मीटर बराबर कितना होता है, एक लीटर होता है। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा 2/10। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि इसकी परिधि जो है वो 360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जी दोस्तों अगर हम मान लें कि यहां पर आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी x मीटर, तो दोस्तों लंबाई कितनी है दोगुनी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। और प्रश्न के अनुसार अगर हमें क्या दे रखा है दोस्तों, परिधि कितनी दे रखी है, परिधि दे रखी है 360, और फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है 2x प्लस x जो है वो चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 360। तो यहां पर देखिए दोस्तों 2x और 1x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और उसकी हम गुणा कर देंगे दोस्तों 2 से, या फिर हम इस 2 को इधर ले आए, 360 को हम 200 भाग कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 में से हम 60 घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 300, और इधर 3x है तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर। भुजा जो है हमारी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजाओं की गुणा, तो 60 × 2 × 60 × 60। तो यहां से आपका देखिए 6 × 36 × 72, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 825 रुपए में 15 कलम और 30 पुस्तकें क्रय करता है, यदि पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य का 2 गुना हो तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। जी दोस्तों इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन, एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों आप निकालेंगे तो 22 रुपए आ जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, दो संख्याएं हैं जो कि एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जी दोस्तों अगर मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से क्रमशः 30% ज्यादा है और 40%, तो मान लीजिए एक संख्या है 30x, तो x का जो 130% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13x, और दूसरी कितनी है ज्यादा 40% है तो 140, तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा आपका 14x। तो अब आपको ये बताना है कि 13x जो है वो 14x से कितनी कम है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 13/14, तो यहां पर अगर जब 13 को 14 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 92, और यहां पर प्रतिशत में पूछा दोस्तों तो 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करनी होगी, तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 92 सही 6/7% दिएगा ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 4x-3y/7x+6y = 4/13, तो x/y का मान क्या होगा। जी दोस्तों दो समीकरण आप बनाएंगे और जैसे ही आप समीकरण बनाएंगे तो आपका x/y का जो रेशियो निकल के आएगा वो 21:8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों आज का आखिरी प्रश्न। यदि a/3 = b/4 = c/7, देन a+b+c/c का मान दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। जी दोस्तों एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करोगे तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं, तो वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSET की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।